स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा ड्रग एजेंसी में, जहां पाते हैं आप दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हम 3CM 5mg टैबलेट के बारे में आज हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे। यह 15 टैबलेट की पैकिंग में आती है जिसका MRP 86 रुपया 48 पैसा है। 3CM 5mg टैबलेट सैनोफी इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। चलिए दोस्तों जानते हैं 3CM 5mg टैबलेट का कंपोजिशन। तो दोस्तों इसमें क्लोबाजेम 5mg मिला हुआ है। 3CM 5mg टैबलेट बेंजोडाइजेपाइन के नाम से जानी जाने वाला दवाओं की श्रेणी से संबंधित है। इसका इस्तेमाल आप एपिलेप्सी मतलब दौरे पड़ना और एंजाइटी चिंता बढ़ जाने के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असमान और अत्यधिक एक्टिविटी को दबाकर काम करता है। 3CM 5mg टैबलेट केमिकल मैसेंजर GABA के एक्शन को तेज करने का काम करता है, जिससे मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को असमान और अत्यधिक गतिविधियों पर रोक लगती है। क्लोबाजेम मुख्य रूप से गंभीर एंजाइटी और मिर्गी दौरे के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं ब्रेन नर्व सेल की अत्यधिक और असमान गतिविधि को दबाकर अपना काम करने के लिए जाना जाता है। क्लोबाजेम आमतौर पर अन्य दवाओं के साथ संयोजन में दिया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक विशेष प्रकार के डिसऑर्डर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, जिसे लेनॉक गैस्ट्रोट सिंड्रोम LGS कहा जाता है। क्लोबाजेम गामा एमिनो ब्यूट्रिक की कार्रवाई को नियंत्रित करता है, जो मस्तिष्क द्वारा जारी एक रसायन है। चलिए दोस्तों जानते हैं 3CM 5mg टैबलेट का डोज। तो सामान्यतः इसे एक गोली रोज दिन में एक बार आप दे सकते हैं। 3CM 5mg का डोज मरीज की उम्र, स्थिति और वजन पर भी निर्भर करता है। इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही उपयोग करें। चलिए दोस्तों जानते हैं 3CM 5mg का साइड इफेक्ट। तो दोस्तों इस टैबलेट को खाने से अगर आपको कब्ज, बुखार, अनिद्रा, सुस्ती, थकान, मतली, उल्टी दिखे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर का परामर्श अवश्य ले। 3CM 5mg टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें।